गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स। आज आप लोग को मैं सेल्फ प्रैक्टिस 10 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को समझना है। ड्रा द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन बिलो ईच क्लॉक। कह रहा है प्रत्येक वॉच के लिए नीचे आपको समय दिया गया है। अब आपको हैंड आवर्स और मिनट हैंड्स का आपको उपयोग करके टाइम को दिखाना है। जैसे 6:40 है आपका, तो देखिए आपको ये मालूम है कि 1 और 2 के बीच में 4 मिनट, और वहीं ले लेंगे यहां तक तो 5 मिनट हो जाएगा। यानी 1 से जब 2 पर आएंगे तो 5 मिनट्स होगा, 2 से 3 पर आएंगे तो 5 मिनट्स, 4 से 5 पर आएंगे तो 5 मिनट्स, 5 से 6 पर आएंगे तो 5 मिनट्स, यानी सब में 5 मिनट्स होता है। ऐसे कोई आपसे पूछेगा कि 1 आवर में कितना मिनट होता है, तो आप कहेंगे 60 मिनट्स, और हाफ आवर में 30 मिनट्स। क्वार्टर 2 का मतलब 15 मिनट पहले, और क्वार्टर पास्ट का मतलब 15 मिनट ज्यादा। ये आपको याद कर लेना है। यहाँ 6:40 है आपका, तो देखिए ये 6 है और 40, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ आ गया। 5 + 40 यहां पर आपका यह हो जाएगा मिनट हैंड, देख रहे हैं, और आवर हैंड के लिए तो 6:40, तो आप यहां पर ला देंगे। आपका हो गया 6:40, देख रहे हैं। ऐसे ही 7:15 यानी कि 7 बजने में आपका 15 मिनट बाकी है। यह 2:15 यानी ये 15 मिनट्स, और यही आपका 7 बजने में, यानी कि यहां पर देख रहे हैं 7 बजने में 15 मिनट आपका बाकी है। ऐसे ही आपका अगर कह दिया ये, जैसे एफ नंबर आप क्वेश्चन देखिए, यहां एफ डाल दीजिए, तो ये आपका हट जाएगा सुई, और यहां पर भी आप हटा देंगे। और इसमें दिया है कि 10 मिनट्स पास्ट 11, तो देखिए ये आपका 10 मिनट्स है। 5 × 5, 5 × 10, 10 मिनट्स ये हो गया आपका 10 मिनट्स, और पास्ट 11। थोड़ा इसको सटाएंगे नहीं, थोड़ा सा रखिए दूर, और 11, तो आपका 11 ये है, तो इससे हल्का ज्यादा होगा। हो गया आपका 11:10 यानी 10 मिनट्स पास्ट, यानी 10 मिनट ज्यादा हो रहा है 11 से। ऐसे ही आप 1 by 1 करके क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में है आपका 3 का ABCD, इस तरह करके H तक है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग को। जैसे आपका 3 का ABCDEF, जैसे यहां पर आपका है 7:45 और 8:15 यही है। नेक्स्ट में बी नंबर में है 11:40, आई 10:40। सी नंबर में है 4:05 और 12:20, और डी नंबर में है 9:45
9:35 और 9:50 ऐसे ही इन नंबर में है आपका 7:05 और 1:35 और 6:25 इट वॉज 6:50 क्वेश्चन है कि सर्किल द करेक्ट टाइम करके सही समय पर आपको घेरा लगाना है सर्किल करना है वन हैज बीन डन फॉर यू जिसमें आपको ये कंप्लीट कर दिया गया है यानी ए नंबर में आपका 7:45 हो रहा है तो 7:45 में कर दिया गया है। बी नंबर देखिए आपका कह रहा है देखिए 11 से आफ्टर है यानी ज्यादा है तो 11 हो गया और 8 पर है तो 45 यानी 11:45 सी नंबर में जाएंगे तो 12 से ज्यादा हो रहा है और 20 तक गया है यानी कि 12:20 पे करेंगे। डी नंबर आप देखिए देख रहा हूं कि 10 से बिफोर है आवर हैंड और आपका मिनट हैंड जो है वो 10 पे गया है यानी 50 तो आपका 9:50 होगा 9:50। नेक्स्ट आपका ई नंबर में देखिए 1 से आफ्टर है और 35 है यानी 1:35। नेक्स्ट है आपका एफ नंबर में देखिए 6 से ज्यादा है और 5 होता है 6:25। इस प्रकार आपका 1 by 1 करके कंप्लीट हो गया 11:45 12:20 9:50 1:35 6:25 और अगला में 5:55 हो जाएगा और 4:05 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे रीड द क्लॉक एंड राइट द टाइम एज आस्क्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है आपको टाइम दिया गया है इसके बाद जो टाइम होगा आफ्टर के बाद वो भी टाइम लिखना है जैसे 4 का आपका ये फर्स्ट में आपका है जैसे वॉच देखेंगे वॉच में बनाया गया है आपको टाइम दिया गया है इसके बाद लिखा गया है आफ्टर 20 मिनट्स कह रहा है 2:15 है यानी 2:15 हो रहा है इसके 20 मिनट बाद क्या होगा तो 15 में 20 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 35 हो जाएगा 20 में 15 प्लस करेंगे तो 35 हो जाएगा यानी 2:35 आप यहां लिख देंगे 2:35 देख लेंगे 4 का ए एक बार तो 15 में 20 प्लस कर देंगे तो 2:35 हो गया। नेक्स्ट बी नंबर ऐसे ही 4:30 हो रहा है इसमें 30 मिनट्स आफ्टर कर देंगे तो आपका 5 हो जाएगा 5:00 आप यहां पर आफ्टर 30 मिनट्स फाइव 50 हो जाएगा। नेक्स्ट सी नंबर में डी नंबर इसी तरह करके आप 1 by 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये सब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है 6 क्या कह रहा है। जैसे आप 5 नंबर में देखिए कह रहा है हाउ मेनी राउंड्स कितने राउंड्स होंगे डज एन आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक कंप्लीट इन ए डे कह रहा है कि एक दिन में आपका आवर हैंड जो है वो कितना राउंड होगा तो आपको मालूम है कि 1 आवर में 24 1 डे में 24 आवर्स होता है तो आपका
वन से लेकर के 12 तक राउंड करेगा तो एक बार 12 आवर्स हो जाएगा, अब फिर सेकंड बार करेगा तो 12 आवर्स हो जाएगा, इस प्रकार 24 आवर्स हो जाएगा, 12 आवर्स प्लस 12 आवर्स यानी आपका दो राउंड होगा। क्या लिख देंगे? टू राउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहा है इसके बाद कि हाउ मेनी मिनट्स डज द मिनट हैंड टेक टू मूव फ्रॉम 12 अराउंड द क्लॉक फेस टू 12 अगेन। तो आप 60 मिनट्स, कितने मिनट्स होंगे तो आप भर देंगे 60 मिनट्स। इस प्रकार अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे। थैंक यू।